नमो नमः छात्र मित्राणि भवतां समेसां अस्याम ई पाठशालायां स्वागतम अस्ति। आप सभी लोगों का ई पाठशाला में स्वागत है। आज से हम एक नूतन कक्षा ई पाठशाला में शुरू कर रहे हैं, महाभाष्य पस्पशाह्निकम। शास्त्री द्वितीय कक्षा में महाभाष्य में पस्पशाह्निक आता है, उसी की कक्षा आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं। उस पस्पशाह्निक के अध्ययन के पूर्व हम व्याकरण शास्त्र का महत्व जानेंगे और फिर बाद में हम पस्पशाह्निक की शुरुआत करेंगे। ये तो ही प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते, बिना प्रयोजन के तो मंद और महामंद भी कार्य नहीं करते। तो हम व्याकरण शास्त्र के महत्व के बाद और कुछ प्रस्तावना उपोद्घात के बाद पस्पशाह्निक अध्ययन की शुरुआत करेंगे और अवश्य ही सभी छात्र इससे लाभान्वित होंगे। तो विद्या के बारे में सुभाषितों में कहा है कि विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम। विद्या भोग करी यशस्व का करी, विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या बंधु जनो विदेश गमने, विद्या परा देवता, विद्या राजसु भुज्यते न तो धनम, विद्या विही न पशु, इत्यादि अनेक प्रकारों से विद्या की व्याख्या हमारे शास्त्रकारों ने की है। उसी विद्याओं के अंतर्गत चतुर्दश विद्या विख्यात है, 14 विद्याओं ये खूब ख्यात छे। कई चतुर्दश विद्याओं छे, कौन सी है ये चतुर्दश विद्या है? तो उसके बारे में शास्त्रों में कहा है कि अंगानी वेद चत्वारो मीमांसा न्याय विस्तरः पुराणं धर्मशास्त्रं च विद्या येता चतुर्दश। अंगानी अंगों के सहित वेद, चार वेद ऋग यजुसाम अथर्व, उसके छह अंग जैसे यहाँ दिए हुए शिक्षा कल्प व्याकरणम निरुक्तम छंदः यानी ज्योतिषम। अंगों के सहित वेद छह अंग और चार वेद, मीमांसा न्याय पुराण और धर्मशास्त्र, ये चतुर्दश विद्याओं के रूप में विख्यात है। सबसे पहले वेद रूपी सृष्टि ही जगत के प्रारंभ में थी, तो उससे ही शब्द वांग्मय का भी प्रारंभ है। अनादि निधना दिव्या वागुत सृष्टा स्वयं भुआ, आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वा प्रवृत्तया। सबसे पहले वेद रूपी वांग्मयी प्रकाशित हुआ और उसके बाद में ही अन्य सभी विद्याएं प्रकाशित हुई। तो उससे व्याकरण भी वेद से ही प्रकट हुआ और उस वेद पुरुष के छह अंग है, उसमें व्याकरण भी एक अंग है। तो उस व्याकरण के बारे में कहा जाता है व्याकरण की व्युत्पत्ति के लिए, या क्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते असाधु शब्देभ्यः पृथक्कृत्य साधु शब्दाः निरूप्यन्ते। असाधु शब्दों से साधु शब्दों को पृथक करना और उसका निष्पादन करना, यही व्याकरण का मुख्य रूप से कार्य है। तो व्याकरण शब्द की उत्पत्ति के बारे में भी चर्चा की है। वि एवं आंग उपसर्ग पूर्वक करणाधिकरणयोश्च इस सूत्र के द्वारा ल्युट प्रत्यय होकर के ल्यु के स्थान पर अन आदेश होकर के व्याकरण शब्द बनता है। तो उस व्याकरण में हमारी सभी विद्याओं का जो मूल उद्देश्य माना गया है,
वह मोक्ष माना गया है और व्याकरण उसमें सबसे आदि में है। साविद्या या विमुक्त है ऐसा उपनिषदों में कहा है, तो वही विद्या है जो मुक्ति दिलाए। तो व्याकरण का भी परम प्रयोजन तो मोक्ष ही है और उस परम प्रयोजन मोक्ष को प्राप्त करने के लिए व्याकरण जो है प्रथम सोपान है। इसलिए यहां देखिए कहा गया है कि इदम आद्यम पदस्थानम सिद्धि सोपान पर्वणाम इयम सा मोक्षमाणा नाम अजिह्मा राज पद्धति। सिद्धि सोपान के लिए मोक्ष रूपी सिद्धि के लिए यह आद्यम पदस्थान है, सबसे पहला सोपान है। और भी कहा है तद्वारम अपवर्गस्य वांग्मलानाम चिकित्सितम पवित्रम सर्वविद्यानाम अधिविद्यम प्रकाशते। सभी विद्याओं में यह पवित्र है, वांग्मल को निवारण करता है और अपवर्ग को प्राप्त कराता है। तद्वारम अपवर्गस्य, अपवर्ग मानी मोक्ष, अर्थात यह व्याकरण शास्त्र मोक्ष का द्वार है और मोक्ष के लिए आद्य सोपान भी है। इसलिए परम प्रयोजन मोक्ष तो सिद्ध होता ही है इससे। और भी आगे कहा है कि आपह पवित्रम परमं पृथिव्याम अपाम पवित्रम परमं च मंत्रः तेषांच सामर्ग यजुसाम पवित्रम महर्षयो व्याकरणं निराहुः। इस पृथ्वी पर कोई परम पवित्र तत्व है तो वह आपह मानी जलम, जल है, नीर है, पानी है, और उससे भी कोई पवित्र है अपाम पवित्रम रमंच मंत्रः, और जल से भी पवित्र मंत्र है तो वह मंत्र संग्रहित है साम ऋग यजु अथर्व में, और महर्षियों ने उससे भी पवित्र महर्षयो व्याकरणम निराहु परम पवित्र पवित्रतम व्याकरण को महर्षियों ने माना है। तो व्याकरण यह परम पवित्र है। एक बहुत प्रचलित श्लोक है, यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पठपुत्र व्याकरणम स्वजनः श्वजनो माभूत शकलम शकलम तकृत छकृत। एक पिता अपने पुत्र को कह रहा है, हे बेटा तू बहुत कुछ अध्ययन ना भी कर तो भी तू व्याकरण का अध्ययन तो कर ही, क्यों? क्योंकि स्वल्पश्च कालः बहुलाश्च विद्या, हमारे पास समय थोड़ा है और अध्ययन हमें बहुत कुछ करना है। तो हे बेटा तू बहुत ज्यादा कुछ नहीं पढ़े तो भी चलेगा, लेकिन तथापि पठपुत्र व्याकरण, तू बहुत शास्त्रों का अध्ययन ना करे तो भी चलेगा, लेकिन व्याकरण तो अवश्य ही पढ़, जिससे स्वजन यानी आत्मीय जन स्वजन माने यहाँ जो है दंत्य सकार की जगह तालव्य सकार यदि उच्चरित हो स्वजन तो वह हो जन है सुनकस्य जन तथा स्वान जन स्वजन दंत्य सकार स्वजन इति तालव्य सकार है। तो दंत्य सकार में जो होता है आत्मीय जन और स्वजन तालव्य सकार में अर्थ होता है स्वान जन। शकलम दंत्य सकार संपूर्णम, शकलम मानी खंड, शकृत मानी एक बार, शकृत तालव्य सकार मानी विष्ठा। तो इस प्रकार से हमसे कुछ अनर्थ न हो इसलिए हमें व्याकरण का अवश्य ही अध्ययन करना चाहिए। तो आगे और भी कहा है, वाक्य का जो अर्थ होता है उसमें जो शक्ति होती है वाक्य का अर्थ कराने की, तो उसमें व्याकरण सबसे पहले ग्राह्य है ऐसा वृद्धों ने कहा है। शक्ति ग्रहम व्याकरणोपमान कोशाप्त वाक्याद व्यवहार तस्य वाक्यस्य शेषाद विवृतेर वदन्ति सानिध्य तह सिद्ध पदस्य वृद्धः। जो शब्दार्थ बोध में वाक्यार्थ बोध में
कारणभूत तत्व है उनमें सबसे महत्वपूर्ण कारण स्फोट अर्थावबोध में मुख्य कारण है। इसलिए अन्य भी कारण है लेकिन उस शक्ति ग्रह में अर्थात शक्ति ग्रह अर्थात अर्थावबोध में सभी कारणभूत है लेकिन व्याकरण वह परम कारण है, इसलिए भी व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। जैसे हम किसी पर शास्त्र का अध्ययन करेंगे तो हमें पदच्छेद करना पड़ेगा श्लोक का, उसकी तो हमें संधि का ज्ञान होना चाहिए, समास का ज्ञान होना चाहिए, कारक का ज्ञान होना चाहिए, जिससे हम आराम से वाक्य का अर्थ कर सकते हैं। इसलिए ही यहाँ व्याकरण ये सबसे पहले दिया हुआ है। और भी आलंकारिक लोग कहते हैं प्रथमे ही विद्वान सो वैयाकरणाः, सबसे पहले विद्वान वैयाकरण लोग है ऐसा अलंकारिक बोलते हैं। और भी है कि काणादम पाणिनीयंच सर्वशास्त्रोपकारकम्, कणाद शास्त्र माने न्याय शास्त्र और वैशेषिक शास्त्र, काणादम शास्त्र माने वैशेषिक शास्त्र, पाणिनीय शास्त्र माने शब्द शास्त्र, दोनों ही शास्त्र सभी शास्त्रों के लिए महद उपकारक शास्त्र है, जिससे हम अन्य शास्त्रों को सरलता से समझ सकते हैं, उनका सरलता से उनमें हमारी गति होती है। तो इसलिए ही कहा है काणादम पाणिनीयंच सर्वशास्त्रोपकारकम्, और सभी विद्याओं का मूल तो वेद ही है। शास्त्रों में कहा है कि वेदो नित्य मधीयता, वेद का हमें नित्य अध्ययन करना चाहिए। महर्षि पतंजलि ने भी कहा है कि ब्राह्मणेन निष्कारणो वेदो ध्येयो ज्ञेयश्च, ब्राह्मण को बिना कारण के ही, अन्य कोई विशिष्ट कारण की आवश्यकता नहीं है, ब्राह्मण है इसलिए उसको वेद का अध्ययन करना ही चाहिए और उसको जानना भी चाहिए। षडंगो वेदो ध्येयो ज्ञेयश्च ऐसा कहा है, अंग सहित वेद का अध्ययन करना चाहिए, लेकिन सभी अंगों का अध्ययन न कर सके तो महा पतंजलि लिख रहे प्रधानम च षडंगेषु व्याकरणम प्रधाने च कृतो यत्नः फलवान भवति। वेदों के छह अंग है जैसे यहाँ श्लोक में दिखाया है, छंदः पादौ तु वेदस्य, हस्तः कल्पोथ पठ्यते, ज्योतिषम वयनम चक्षुः, निरुक्तम श्रोत्रमुच्यते, शिक्षा ग्रहणम तु वेदस्य, मुखम व्याकरणम स्मृतम, तस्मात् सांगमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते। अंग सहित वेदों का अध्ययन करने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। फिर भी यदि हम छह अंगों का अध्ययन न कर सके तो प्रधाने च कृतो यत्नः फलवान भवति, प्रधान जो है वह व्याकरण है और व्याकरण में अध्ययन करने से सभी शास्त्रों में हमें उसका फल मिलता है। मुखम व्याकरणम स्मृतम, व्याकरण जो है वह मुखम इव मुख्यम स्मृतम, जिस प्रकार से हमारा शरीर है उसमें मुख की प्रधानता है, सभी कोई लोग हमें मुख से ही पहचानते, हमारा चेहरा देखकर ही हमें जगत पहचानता है, हमारे हाथ देखकर हमें कोई पहचान नहीं जाता, हमारे पैर देखकर हमें कोई पहचानता नहीं है, केवल हमारे मुख दर्शन से ही हमें पहचानते हैं। तो व्यवहार जगत में भी, शास्त्र में तो है ही प्रधान, व्यवहार में भी मुख की प्रधानता है। और जैसे मुख भोजन करता है और सभी अंगों को पोषण मिलता है, उसी प्रकार से व्याकरण का अध्ययन करने से भी सभी अंगों की पुष्टि होती है, सभी शास्त्रों की पुष्टि होती है। जैसे मुख भोजन करता है और हाथ पैर दिमाग सब कुछ चलता है, सभी अंगों को पोषण मिलता है, उसी प्रकार से व्याकरण के अध्ययन से सभी शास्त्रों की पुष्टि होती है। रामचरितमानस में एक दोहा भी आता है, मुखिया मुख सो होइए खान पान में एक, पाले पोसे सकल अंग जाने ही सकल विवेक। वह खान पान में नेक भी होना चाहिए जिससे सभी अंगों का पोषण हो और बोलने में भी
विवेक की प्रधानता होनी चाहिए, तो वह वाणी का विषय है विवेक। तो वाणी के विषय के लिए व्याकरण का अध्ययन तो हमें करना ही पड़ेगा। आगे है, नूनम व्याकरणम कृष्णम अनेन बहुधा श्रुतम बहुव्याहरता अनेन न किंचित अपभाषितम। यह वाल्मीकि रामायण का श्लोक है। किष्किंधा कांड में भगवान हनुमान जी के बारे में यह कहा गया है कि हनुमान जी ने बहुत ही अच्छी प्रकार से व्याकरणों का अध्ययन किया होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत बोला है लेकिन किंचित न अपभाषितम, हमें कुछ भी अपभाषित यानी अपशब्द जो व्याकरण से असाधु शब्द है, वैसे किसी भी एक भी असाधु शब्द का श्रवण हमें हनुमान जी के मुख से नहीं हुआ है। हनुमान जी ने बहुत बोला है लेकिन कहीं भी किसी भी जगह एक भी अपशब्द अपभाषण मिथ्या भाषण नहीं किया है, असाधु शब्द प्रयोग नहीं किए है। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि हनुमान जी ने व्याकरण का विधिपूर्वक अध्ययन किया था। उसी में एक विधान भी मिलता है, स्वयं नव व्याकरणार्थ वेत्ता। हनुमान जी नव व्याकरण के विद्वान थे, इसलिए ही उन्होंने किसी भी प्रकार के अपशब्द का प्रयोग नहीं किया। तो हमसे भी अपशब्दों का प्रयोग ना हो, इसलिए हमें भी व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। वह व्याकरण नौ प्रकार का है ऐसा विद्वान कहते हैं। सभी इस प्रकार से है, इंद्रश्चंद्र काश कृष्ण पिशली साकटायन पाणिन्यमर जैनेन्द्र जयंती अष्टौ च शाब्दिकाः। जयंती अष्टौ च शाब्दिकाः इति जयंती, इन आठ शाब्दिकों का जय हो। तो यहाँ आठ शाब्दिकों का वर्णन है। स्वयं नव व्याकरणार्थ वेता, कहीं कहीं नव वैयाकरणियों का भी उल्लेख मिलता है। इंद्र प्रणीत जो है वह ऐन्द्र व्याकरण, चांद्र व्याकरण, काश कृष्ण व्याकरण, आपिशल व्याकरण, शाकटायन व्याकरण, पाणिनीय व्याकरण, आमर व्याकरण, जैन चार्य कृत हेमचंद्राचार्य ने बनाया है हेम व्याकरण। तो इन आठ शाब्दिकों का जय हो, इस प्रकार से यहाँ है। और तो लेकिन इन सभी व्याकरणों में अभी व्याकरण के अंग की जब बात होती है वेद में सड़ंग में, तो वह व्याकरण के अंग के रूप में पाणिनीय व्याकरण की ही गिनती की जाती है। अन्य व्याकरणों की जगह इंद्र व्याकरण, चंद्र व्याकरण, काश कृष्ण आपिशली साकटायन इत्यादि व्याकरण सभी पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं है, केवल और केवल सांगोपांग व्यवस्थित रूप से पाणिनीय व्याकरण प्राप्त होता है। और वह सभी व्याकरणों को अंग के लिए इसकी ही गिनती की जाती है, पाणिनीय व्याकरण की ही। और क्योंकि उसमें वैदिक और लौकिक दोनों शब्दों का उपदेश किया हुआ है, इसलिए पाणिनीय व्याकरण सभी व्याकरणों से श्रेष्ठतम है। और इसीलिए वेदांगों में गिनती में भी पाणिनीय व्याकरण की ही गिनती की जाती है, और पाणिनीय व्याकरण को त्रिमुनि व्याकरण ऐसा कहा जाता है। तीन मुनियों से बना हुआ व्याकरण होने के कारण इसे त्रिमुनि व्याकरणम भी कहते हैं। इसके लिए यह श्लोक है, वाक्यकारम वरुरुचिम भाष्यकारम पतंजलिम पाणिनिम सूत्रकारं च प्रणतोस्मि मुनित्रयम। वाक्यकार, पदकार, वार्तिककार के रूप में विख्यात है वररुचि यानी कात्यायन ऋषि। भाष्यकारम पतंजलिम, भाष्यकार भाष्य जिन्होंने बनाया वह पतंजलि मुनि। और सूत्रकारम पाणिनिम, सूत्रकार है पाणिनि जिन्होंने सूत्रों की रचना की। और भी है, ओम नमः पाणिनि कात्यायन पतंजलिभ्यः शब्द विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो नमो वंश ऋषिभ्यो गुरुभ्यो महद्भ्यः। इस प्रकार से हमें प्राप्त होता है। तो ये तीन मुनियों के द्वारा विरचित त्रिमुनि व्याकरण है, इसमें अष्टाध्यायी मुख्य ग्रंथ है, जिसमें आठ अध्याय है, प्रति अध्याय में चार पाद है, इसलिए कुल मिला करके 32 पाद अष्टाध्यायी में है। और यह पाणिनीय व्याकरण पंचकम पाणिनीयम ऐसा कहा जाता है। पांच
अंगों का उसमें समाविष्ट होता है। पाणिनीय व्याकरण में सूत्र, धातु, गण, शिक्षा और लिंगानुशासन। अष्टाध्यायी में त्रिणी सूत्र सहस्राणी तथा नवशतानी च षण्णवति च सूत्राणां पाणिनिः कृतवान् स्वयं। अष्टाध्यायी में 3996 सूत्र अष्टाध्यायी में प्राप्त होते हैं। अन्य विद्वानों के मत में अलग सूत्र संख्या है, लेकिन यह श्लोक हमें प्राप्त होता है। तो 4000 में 4 कम सूत्र पाणिनीय व्याकरण में है, और पाणिनीय व्याकरण की सूत्र अष्टाध्यायी, उसके बाद उस पर वार्तिककार कात्यायन ने वार्तिकों की रचना की है, और उसके ऊपर महर्षि पतंजलि ने भाष्य की रचना की है। तो भाष्य व्याकरण का एक प्रमुख ग्रंथ है। ये तो ही व्याकरणियों में भी सबसे प्रमाणभूत आचार्य महर्षि पतंजलि को ही माना जाता है। ये तो ही व्याकरण शास्त्र में भी यत्र कुत्र जब शास्त्रार्थ होता है तब किस मुनि का वाक्य ग्रहण हो तो वहां लिखा है कि यथोत्तर मुनि नाम प्रामाण्यम। तो जो उत्तर मुनि है यानी पतंजलि मुनि का प्रमाण सबसे ग्रहण होता है, जो पतंजलि मुनि ने कहा है वही प्रमाणित होता है। इसलिए महाभाष्य जो ग्रंथ है वह वैयाकरणियों के लिए प्रमाणभूत ग्रंथ माना जाता है, उसी का प्रमाण अंतिम प्रमाण माना जाता है। महाभाष्य का जो भाष्य का जो यहाँ लक्षण दिया हुआ है वह इस प्रकार है। सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र वर्णे सूत्रानुसार भी स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यम भाष्य विदो विदुः। जहाँ सूत्र के अर्थ का वर्णन किया गया हो, जहाँ वर्णे ही एक एक वर्ण के अनुसार सूत्र का वर्णन किया गया हो, स्वपदानि च पद का वर्णन किया गया हो, सूत्र का अर्थ, सूत्र के जो एक एक अक्षर है वर्ण है उनका वर्णन, एक एक पद का वर्णन, शंका और समाधान जहाँ व्यवस्थित रूप से ग्रथित हो उनको विद्वान लोग भाष्य कहते हैं। तो उसी प्रकार से पतंजलि का भी महाभाष्य विख्यात है, और पतंजलि के भाष्य को महाभाष्य कहा जाता है। ये तो ही सर्वे भाष्याः भाष्याः पतंजलि है भाष्यम महाभाष्यम। क्यों? क्योंकि पतंजलि के महाभाष्य में सभी शास्त्रों का और सामाजिक इतिहास इत्यादि सभी दृष्टियों से अन्यतम यह भाष्य है, जिसमें सब वर्णित है। इसलिए महाभाष्य का वैशिष्ट्य यहाँ देखे, महाभाष्य से सूक्ष्म पर्यालोचन न ज्ञायते यह न केवलम व्याकरणम अपितु समस्त विद्यानां कृते प्रमाण रूपः ग्रंथोस्ति। अतएव वाक्य पदीयकारः भर्तृहरि लिखति सभी विद्याओं के लिए प्रमाणभूत ग्रंथ है। कृतेथ पतंजलिना पूर्णा तीर्थदर्शिना सर्वेषां न्याय बीजानां महाभाष्य निबंधने। सभी न्यायों के बीज महाभाष्य में निहित है। सामाजिक इतिहास इत्यादि दृष्टियों से भी पतंजलि का महाभाष्य है वह महद उपकारक है, इसलिए ही इसको महाभाष्य कहा गया है। और इसमें व्यवहारिक दृष्टि भी बहुत उत्तम रूप से है, इसलिए हमें व्यवहारिक श्रुतियाँ भी देखने को मिलती है। अन्य व्याकरण वैसे शुष्क कहा जाता है, नीरस कहा जाता है व्याकरण को, लेकिन पतंजलि के महाभाष्य का अध्ययन करने के बाद हमें जो उसकी शैली है वह इतनी उत्तम शैली है जिससे हमें नीरस कदापि नहीं लगता। और जो व्याकरण को नीरस कहते हैं उनको अवश्य ही पतंजलि का महाभाष्य देखना ही चाहिए। इस प्रकार से द्विरबद्धम सुबद्धम भवति समान गुणा एव स्पर्धा भवति नैयाया विरूपो स्पर्धेते भुभुक्षितम न प्रतिभाति किंचित व्याप्तो ह्येक पुलाक स्थालिया निदर्शनाय आम्रान पृष्ठ को विदारान आचष्टे इत्यादि सरल सूक्तियाँ भी, व्यवहारिक सूक्तियाँ भी महाभाष्य में प्राप्त होती है। तो व्यवहारिक भी है महाभाष्य, सरस भी है और सरल भी है। और अंत में फिर से इस पाठ का हम उपसंहार करेंगे। व्याकरण शास्त्र के बारे में जो कहा कि मूल व्याकरण शास्त्र क्या है, तो लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम लक्ष्यम च लक्षणम चेतत समुदितम व्याकरणम भवति। व्याक्रियन्ते असाधु शब्देभ्यः पृथक् कृत्य साधु शब्दाः प्रतिपाद्यन्ते येन
इति व्युत्पत्तिया व्याकरणम इति कथ्यते साधु शब्द ज्ञानाय साधु शब्द प्रयोगाय च इदम व्याकरणम। और यद्यपि बहुनादि से हमने पढ़ा तद्वारम अपवर्गस्य वाङ्मलानां चिकित्सितम् पवित्रम सर्वविद्यानां अधिविद्यम प्रकाशते। और वृद्धों ने भी या वाक्यार्थ अवबोध में शक्ति ग्रह में सबसे पहले व्याकरण को माना है। और पतंजलि ने भी कहा है कि ब्राह्मण निष्कारण सड़ंगो वेदो ध्येयो ज्ञेयश्च, इसलिए हमें अवश्य ही व्याकरण का अध्ययन तो करना ही चाहिए। तो इस प्रकार से व्याकरण का खूब महत्व है सभी शास्त्रों के लिए। तो इसी व्याकरण के अध्ययन के पूर्व हमने व्याकरण का महत्व जाना और भगवान पाणिनि को हम नमस्कार करके, कहीं पर यह श्लोक प्राप्त होता है जहाँ पाणिनि को स्वयं भगवान माना गया है, उसी का अंतिम मंगलाचरण करके इस पाठ को हम समाप्त करेंगे। पाणिनिर् भगवानेव वयम् चंद्रार्धशेखरः प्रतिष्ठापयते कोन्यो दिव्यं व्याकरणं भुवि। अस्तु तावत्, नमो नमः, पुनः मिलामः।